नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी का सबसे नया शो जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस शो में मेरे और आपके बीच कोई दीवार नहीं होगी और सीधा मैं आपसे संवाद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित, और सबसे पहले बात उन मुद्दों की जो खबरों की भीड़ से आज आपके लिए चुनकर लाए हैं। पहली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक बम में धमाका हुआ, जिसके बाद वहां दिल्ली पुलिस से लेकर एनएसजी की टीम तक जांच करने के लिए पहुंची। क्या ये त्योहार से पहले किसी की शरारत थी या फिर कोई सोची समझी साजिश, पूरी खबर को डिकोड करेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी हैं। बीजेपी के लिस्ट में कौन आउट हुआ और कौन इन, बताएंगे आपको। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे गिरिराज सिंह की यात्रा के दौरान भागलपुर में बड़ा बवाल हो गया। एक प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ के बाद वहां हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री ने गिरिराज सिंह को चेतावनी भी दी है। क्या कुछ कहा मंत्री ने और क्या जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, ये जरूर देखिएगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने सीट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और जेएमएम ने 81 में से 70 सीटें आपस में बांट ली हैं, जिससे आरजेडी नाराज है। क्या तेजस्वी यादव की झारखंड में इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोई चाल वो चलेंगे, इसके पीछे की कहानी बताएंगे आपको। उधर यूपी के कानपुर में 61 करोड़ की लागत से बना एक ओवर ब्रिज 61 दिनों में खस्ताहाल हो गया है। करप्शन के इस पुल की पोल बीजेपी के ही विधायक ने खोली है। जनहित में जुड़ी ये कहानी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित की पहली बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों ने हमला किया है। आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी करके रखी हुई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको बताते चले कि 2 प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कल हमने देखा था शनिवार सुबह किस तरह से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और लगातार वहां पर धरपकड़ जारी है, लेकिन इन सबके बीच अभी हालात क्या है, ये जो ताजा हमला हुआ है इसके बारे में और क्या जानकारी देंगे आप आसिफ? चित्रा, देखिए पिछले 24 घंटे में ही ये कश्मीर घाटी में दूसरा हमला है जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले शोपियां में एक बिहार के रहने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और अब से थोड़ी देर पहले सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में जो एक टनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे मजदूर थे उन पर फायरिंग हुई है, जिसमें 2 मजदूरों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 अन्य मजदूरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग की घटना टनल के पास ही हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद 2 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं। इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश की जा रही है, और माना यह भी ये जा रहा है कि जिस जगह पे ये घटना घटी उस इलाके से भाग निकलना संभव नहीं है, इसीलिए घेराबंदी को और तगड़ा करके इन मजदूरों के हथियारों की तलाश की जा रही है। मैं बता दूं कि 6.5 किलोमीटर की ये टनल सोनमर्ग और गगनगीर के बीच में बन रही है, जो पिछले 3 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कंप्लीट होने की भी खबर है, लेकिन इससे पहले इस तरीके की हमला की वजह से वहां पे डर फैल गया है और मजदूरों में डर है, लेकिन सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक यहां पे भेजकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है हमलावरों की तलाश के लिए। बात करेंगे उस धमाके की जिसने आज सुबह सुबह दिल्ली के दिल दिमाग में एक डर बिठा दिया है। सुबह सुबह एक धमाके और धुएं के गुब्बार ने दिल्ली को बेचैन कर दिया। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट की जांच अब एनआईए को दे दी गई है। इस धमाके ने राजधानी को सुबह सुबह डरा दिया कि दिल्ली में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। धुएं का इतना बड़ा गुबार जिसने भी देखा, पहली नजर में ये लगा कि ये जरूर कोई आतंकी धमाका है। सुबह 7:40 पर यह धमाका दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल पर हुआ। दूसरे वीडियो में धमाका और साफ दिखा। धमाका जोरदार था। संडे की सुबह बहुतों की नींद इसी से टूटी। प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे चटक गए। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फौरन बाद एनएसजी कमांडोज भी बुला लिए गए।
पूरा इलाका सील करके फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी कि ये किस तरह का धमाका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है, इसके अलावा NIA जैसे तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की टीम जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है और एविडेंसेस सबूत जो है वो इकट्ठा करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। फौरी तौर पर इसे देसी बम का धमाका माना जा रहा है, लेकिन तीव्रता और धुएं को देखते हुए जांच टीम तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ब्लास्ट की जगह से सफेद पाउडर, सेल और तार मिले हैं। दीवार के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है, फॉरेंसिक टीम ने उसके भी सैंपल इकट्ठे किए हैं। NSG के जो कमांडोज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि जो उनके एडवांस इक्विपमेंट है उनके सहारे जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको एक छलनी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें जो दीवार का टूटा हुआ टुकड़ा है जिसमें ईंट और बजरी है उसको छान करके, लेकिन उसमें जो फॉरेन एलिमेंट होगा उस फॉरेन एलिमेंट की जाँच जो है वो यहाँ पर NSG के कमांडोज की तरफ से जो है वो की जा रही है। धमाके की जगह का जो सबसे साफ वीडियो है उसमें कोई संदिग्ध नहीं दिखा है। आसपास के और भी CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी धमाकों की बुरी यादें रही हैं। इस वजह से भी लोग यहां पर डरते हैं। आज के धमाके के बाद एक डर ये भी है कि कहीं ये किसी बड़े धमाके की चेतावनी तो नहीं है। राजधानी होने से दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। इससे इनकार नहीं कर सकते कि दिवाली जैसे त्योहारों से पहले हमेशा आतंक पर अलर्ट होता है। सुरक्षा चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि उस वक्त बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। 13 सितंबर 2008 को दिवाली से पहले इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली में 4 धमाके किए थे। सिर्फ 30 मिनट में गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में हुए धमाकों में 19 जाने गई थी, 100 लोग घायल हो गए थे। आज का धमाका भीड़ वाली जगह पर नहीं था, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि ये किसी चेतावनी के तौर पर किया गया हो। जाहिर है अब जांच NIA ने संभाली है तो वो ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी, लेकिन इस धमाके ने सियासत भी गर्मा दी है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने सीधे केंद्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया, ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली को गैंगस्टर्स चला रहे हैं, ठीक ऐसे गैंगस्टर्स चला रहे हैं जैसे हम फिल्मों में देखा करते थे कि 1990 में मुंबई में गैंगस्टर्स का राज था, आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का राज हो गया है। दिल्ली सरकार ने सुरक्षा पर सवाल उठाए तो BJP की ओर से पलटवार किया गया कि आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो केंद्र को कानून व्यवस्था सिखाए। आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको लगता है यार मेरे भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, मेरी बेईमानी की चर्चा हो रही है, मैं तो हम कुछ तो दूसरों का दिखाएं। हालांकि इस बीच दिन भर इंतजार होता रहा कि दिल्ली पुलिस इस धमाके को लेकर कोई बयान दे। और दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया लग रहा है। ब्लास्ट के लिए बकायदा IED का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि क्रूड बम भी एक IED की तरह ही होता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की यह है, दिल्ली धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों से यह बड़ी जानकारी है, जांच में ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश लग रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, दिल्ली पुलिस क्या बता रही है पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जिस तरीके से त्योहारों का मौसम है, बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ है, स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि राजधानी में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, उस एंगल के साथ साथ पुलिस दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का सूत्रों का कहना है कि IED का इस्तेमाल किया गया, जो क्रूड बॉम्ब जो लो इंटेंसिटी के बॉम्ब होते हैं वो भी एक IED बॉम्ब ही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से विस्फोटक के अंदर किसी तरीके के कील, कांच या बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो विस्फोट था उसका मकसद एक मैसेज देना था। और जिस तरीके से एक CRPS स्कूल की बॉम्ब
रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देना भी इस ब्लास्ट के पीछे का मकसद हो सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि सीआरपीएफ ने कई बड़े नक्सली ऑपरेशन को भी अंजाम दिया, तो सभी ये सब एंगल जो है ये पुलिस सामने रख के जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली रही है, जो डाटा है डम डाटा उसको भी रिकवर किया है। तो पुलिस के अधिकारी को कहना है जल्द कोई लीड मिलेगी और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के टिकटों की रेस में बीजेपी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से आगे निकल गया है। आज बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र में कल तक खबर थी कि दोनों गठबंधन 28-28 सीटों पर फंसे हुए हैं। आज बीजेपी ने टिकटों पर पहले सस्पेंस तोड़ा। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी सीट से, सुधीर मुंगटीवार बल्लारपुर से, गिरीश महाजन जामनेर से, राम कदम घाटकोपर पश्चिम से, आशीष शेल्लार वांद्रे पश्चिम से उम्मीदवार होंगे। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे कंकावली से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भोकर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहाँ पर उम्मीदवार के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे, अच्छी लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। वहीं मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, लेकिन पहली सूची आज भी नहीं आ पाई। उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी पर वोटरों की हेराफेरी का आरोप लगाकर नई सनसनी जरूर फैलाई। विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के तोलमोल में समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें मांगकर नया पेच डाल चुकी है। पार्टी 5 उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है और कोशिश में है कि यूपी की दोस्ती के एवज में कांग्रेस अपने हिस्से की 4 से 5 और सीटें उसके लिए छोड़ दे। हम नहीं चाहते हैं कि ये सीटें इंडिया अलायंस लूज कर दे। ये हमने अखिलेश जी उसके पार्टनर है ना, हमने बताया उनको इस बातें। अब आप जाइए मालेगांव धुलिया, 3-4 सीट मिल जाए तो ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया बस 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। वहीं झारखंड में टिकटों को लेकर इंडिया अलायंस की पार्टियों में 3-13 की नौबत आ रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 70 सीटें आपस में बांट लेने पर आज आरजेडी भड़क गई। उसने कह दिया कि 12-13 सीटें तो लड़ेंगे ही, हम कोई गला कटाने के लिए नहीं आए हैं। सत्तर सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस बार विरोध का खूंटा तेजस्वी यादव ने गाड़ा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें 70 पर कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाकी 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ी हैं। लेकिन राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का ये ऑफर तेजस्वी यादव को कबूल नहीं है। राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी रांची में थे, हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई, सीट बंटवारे को लेकर बात हुई। आरजेडी का दावा है कि उसे 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा गया है। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। पिछले चुनाव में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी और इस बार वो ज्यादा सीटें चाहती है। मनोज झा ने कहा कि सोमवार को सारी सीटों और सभी उम्मीदवारों के बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। उधर इंडिया अलायंस में खींचतान की बड़ी खबर यूपी उपचुनाव को लेकर भी आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में तकरार बढ़ गई है। सपा की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से भी कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना सकती है, यानी कांग्रेस
9 में से किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अब तक हुआ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कांग्रेस सोमवार को इसका ऐलान कर सकती है। बात करेंगे बिहार की, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फिर से चर्चा में हैं। भागलपुर के मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और आरजेडी का हाथ है। यह हंगामा उसी भागलपुर में हो रहा है जहां से दो दिन पहले गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा गुजरी। इस हंगामे की वजह थी भागलपुर के सिन्हौला में एक प्राचीन मंदिर में हुई तोड़फोड़। गुस्साए हिंदुओं की भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, लेकिन भीड़ पथराव करने लगी तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। व्यक्ति नाम मोहम्मद शाबास, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है, अभी उनको हटा दिया गया है। गिरिराज सिंह ने भागलपुर से ही यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के तीसरे दिन गिरिराज आज पूर्णिया में थे। भागलपुर में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर उंगली उठाई। ये आरजेडी और कांग्रेस की सोची समझी रंजीत है, रणनीति है। उस रणनीति के तहत ये पूरे बिहार सहित पूरे देश में गृह युद्ध करवाना चाहते। गिरिराज की यात्रा को लेकर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने चेतावनी दी तो गिरिराज ने भी कह दिया जो करना है कर लो। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी। जेल तो बड़ी छोटी बात है, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। गिरिराज सिंह की यात्रा 22 अक्टूबर को बिहार के किशनगंज में पूरी होगी। बीजेपी पहले ही यात्रा से खुद को अलग कर चुकी है। इधर यूपी उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र को करोड़ों के प्रोजेक्ट दिए हैं। सीधे तौर पर कोई चुनावी बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन परिवारवाद पर निशाना साधकर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया तो एक बार फिर अपने सांसद को देखने के लिए काशी के लोग सड़कों पर उमड़ आए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए 3200 करोड़ की 16 परियोजनाओं समेत 6611 करोड़ की लागत की कुल 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को एक नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण के चलते काशी का विकास रोक के रखा गया था। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं, इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1,00,000 ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद दूसरी बार काशी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी अब सिर्फ धर्म और अध्यात्म के केंद्र के तौर पर ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर हब के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी की पहले की सरकारों ने पूर्वांचल को बरसों तक अनदेखा किया, लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वाराणसी समेत पूर्वांचल की तस्वीर बदल चुकी है। वहीं 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारे कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि महाकुंभ 2025 के दौरान कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं सोएगा।
आपको देते हैं पूरी जानकारी। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र में 160 उचित मूल्य वाली राशन की दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान सरकार जनवरी और फरवरी में दो बार राशन देगी। बताया जा रहा है कि इसका फायदा 2,00,000 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। मुफ्त राशन के अलावा मेला क्षेत्र में हर रोज कई भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। 45 दिन के महाकुंभ में भंडारे के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी रोजाना 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही कुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी भी बनाई जाएगी। संगम के तट पर बनने वाली टेंट सिटी में 400 स्लीपिंग पॉड बनाने की भी योजना है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तर की सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। हालांकि इस मामले में रेगुलर कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अवैध अतिक्रमण को लेकर जब पीडब्ल्यूडी ने लोगों को नोटिस दिया, तो यहां रहने वाले खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने लगे। इलाके में खामोशी छाई हुई है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि वो काफी समय से यहां पर रह रहे हैं, अब वो जाएं तो जाएं कहां। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग खुद ही अपना घर खाली कर रहे हैं। कोई दुकान खाली कर रहा है तो कोई घर से सामान निकाल रहा है। बुलडोजर के डर से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए, कुछ और लोग कल यहाँ पे जो शटर था वो निकाला जा चुका है, और ये आज जो बाकी चीजें हैं उसको खुद से लोग यहाँ तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन घरों में जो लोग रह रहे थे वो लोग कल अपना सामान लेकर के यहाँ से जा चुके हैं। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान इसी इलाके में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत कई लोगों के घरों पर नोटिस चिपका दिया था और अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा था। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि किसी और की किए की सजा उनको मिल रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पप्पू जायसवाल के साथ। पप्पू का घर भी अवैध अतिक्रमण की कैटेगरी में है। घर के नीचे जो पंचर बनाने की दुकान है, वही पूरे परिवार का सहारा है। पप्पू का कहना है कि इलाके के कई मकान उनकी पुश्तैनी जमीन पर ही बने हैं, लेकिन आज उनका अपना घर भी टूटने की कगार पर है। अब कहाँ जी भाई, अब तो बिन मैदान मारे भाई, मैदान में वो कौन उपाय है, टूट ही तो जाएगा लेकिन यह कौन उपाय है। इस बीच बहराइच में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। आयोग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। यूपी में बुलडोजर पर अभी कंफ्यूजन है, लेकिन राजस्थान में भजनलाल सरकार का बुलडोजर बिना ब्रेक के चला। जयपुर में जिस नसीब चौधरी ने आरएसएस के लोगों पर चाकू से हमला किया था, आज उसका अतिक्रमण भजन सरकार ने साफ कर दिया। जयपुर के चाकूबाज का 2 दिन में ही हिसाब हो गया। करणी विहार में चाकूबाजी के आरोपी नसीब चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तो लोगों ने जमकर नारे लगाए। जिला प्रशासन की टीम आज सुबह बुलडोजर के साथ पहुंची और जबरन कब्जा किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ढहा दिया। नसीब चौधरी पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। बुलडोजर ने मंदिर परिसर में बने नसीब के मकान के हर हिस्से को गिरा दिया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हम आपको जयपुर के करणी विहार में हुए बुलडोजर एक्शन के पीछे की कहानी बता देते हैं। दरअसल नसीब चौधरी पर इलाके के लोगों ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। 18 अक्टूबर को जब मंदिर में जागरण चल रहा था, तभी नसीब अपने बेटे के साथ पहुंचा और विवाद होने के बाद उसने कई लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।
चाकूबाजी की घटना में 8 लोग घायल हो गए थे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उस वारदात के बाद राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बरसों ट्रैफिक जाम झेलने के बाद जब कानपुर में एक ओवरब्रिज बना तो जनता ने राहत की सांस ली, चलो अब मुसीबत कम हुई। लेकिन 61 करोड़ की लागत से बने पनिकी धाम ओवरब्रिज ने 61 दिन में ही दम तोड़ दिया। राज्य सेतु निगम में हुए इस भ्रष्टाचार का खुद बीजेपी विधायक ने ही उसकी पोल खोलकर रख दी। पुल ऐसा कि आर पार देख सकते हैं, कंक्रीट ऐसा मानो चूने का पाउडर है। यह कानपुर के पनकी में बने नए ओवरब्रिज का हाल। लगभग 2 महीने पहले जब ये पुल आवाजाही के लिए खुला तो लोग बेहद खुश थे, उन्हें घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत जो मिल गई थी। लेकिन महज 2 महीने में ही पुल के जॉइंट खुलने से ये साफ हो गया कि यहाँ भ्रष्टाचार का जॉइंट कितना मजबूत है। 61 करोड़ की लागत से पनकी धाम में बना पुल करप्शन की भेंट चढ़ गया और जर्जर हालत में पहुंच गया। पनकी धाम पुल का निर्माण राज्य सेतु निगम ने किया था। लोगों की शिकायत जब स्थानीय विधायक तक पहुंची तो वो खुद जांच करने पहुंच गए, पुल की बदहाली को देखा और सबूत के तौर पर पुल निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को एक पॉलिथीन में भर लिया ताकि शासन तक बात ठोस सबूत के साथ पहुंच सके। विधायक सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि वो भ्रष्टाचार के इस पुल का कच्चा चिट्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। 2 महीने 2.5 महीने का मात्र बना हुआ निर्माण हुआ पुल आज इस हालात में है, जैसे 30 साल 40 साल हो गए हों और ये जर्जर गिर रहा, पूरी सड़क में क्रैक्स मार गए हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जॉइंट्स को अभी नए पुल को बदलना मतलब भारी भ्रष्टाचार, चाहे वो विभागीय सेतु निगम के इंजीनियर हों, अधिकारी हों या ठेकेदार कंपनी हो। मैंने DM साहब को लिख करके दिया। सवाल ये है कि 61 करोड़ रुपए की लागत से बना पनकी धाम का ओवरब्रिज 61 दिन भी क्यों नहीं चल पाया। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये पुल सरकारी लापरवाही की एक मिसाल है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों में विवाद होने के बाद तकरीबन 10 राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की मौत की खबर है जबकि दूसरे गुट के 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकर चलते हैं आपको बिहार। यूं तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन शराब यहां के लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ दिन पहले ही सीवान और छपरा जिले में जहरीली शराब ने लगभग 30 लोगों की जान ले ली और अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां क्लास में बच्चों को मुहावरों का अर्थ शराब से जोड़कर पढ़ाने का मामला सामने आया है। मुहावरे हम सब ने पढ़े और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल में मुहावरों का अर्थ बदल गया है। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। हाथ पाँव फूलना, समय पर शराब का न मिलना, कलेजा ठंडा होना, एक पैग गले से उतारना, नेकी कर दरिया में डाल, फ्री में दोस्तों को पिलाना, मुहावरों का ये नया अर्थ जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शिक्षा विभाग के होश उड़ गए। आनन फानन में बच्चों को मुहावरे पढ़ाने वाली टीचर को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांग लिया गया। हालांकि आरोपी टीचर की दलील है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा था। आरोप लगाया गया मेरे पे, BO साहब और सुलेखा कुमारी HM प्रभारी जो है मेरे पे आरोप लगाई, गलत आरोप लगाई। आरोपी शिक्षक का कहना है कि ब्लैक बोर्ड पर जो मुहावरे और उनके अर्थ लिखे वो उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने लिखे हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया गया। जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्यों साहब ने मुझे ये किए व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे हो, अब वहाँ से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने के लिए, हम ऐसे ऐसे भेज दिए, वो बोले डिसमिस कर देंगे, ये कर देंगे, नौकरी से हट जाएगी, अब हम क्या करें, डर से ऐसे लिख दिए। उसके बाद से स्पष्टीकरण आया तो हम शौक रह गए, अरे ये क्या करें। और दोनों पक्षों को तलब किया गया कि उम्मीद है कि जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।
विमानों में बम होने के धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। आज भी 20 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बीते एक हफ्ते में 100 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली से इस्तांबुल जा रही विमान में बम है। जेद्दा से मुंबई जा रही प्लेन को उड़ा देंगे। गोवा से अहमदाबाद जा रहा प्लेन खतरे में है। ये कुछ ऐसी धमकियां हैं जो आज मिली, लेकिन ये धमकियां नई नहीं हैं, बल्कि बीते एक हफ्ते से हर रोज सामने आ रही हैं। आज शाम 5 बजे तक 20 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी सभी धमकियां अफवाह साबित हुई। इसके पहले शनिवार को 40 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की फ्लाइट्स को धमकी दी जा रही है। इस मामले में तमाम जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अब तक कुछ ठोस पकड़ में नहीं आया है। दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द एविएशन रेगुलेटर वेरी सीरियसली। आई थिंक यू ऑल अवेयर ऑफ दैट एंड डेफिनेटली दे विल दे आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट सॉलिड सॉल्यूशन। धमकियों का ये पैटर्न कुछ सवाल खड़े कर रहा है, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये कि क्या ये किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्या किसी बड़े प्लान को अंजाम देने से पहले उसका ट्रायल चल रहा है? क्या इन धमकियों के पीछे एक ही ग्रुप का हाथ है, या फिर कुछ सिरफिरे अपने स्तर पर धमकियां दे रहे हैं? क्या प्लेन उड़ाने की धमकियों का विदेश से कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि धमकी भरे कुछ पोस्ट अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से डाली गई थी। जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी गई। जांच के दौरान पता चला है कि जिन आईपी एड्रेसेस से धमकी भरे मैसेज पोस्ट किए गए, उनके सर्वर लंदन और जर्मनी में थे। कुछ आईपी एड्रेस भारत के भी हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों ने इन एक्स अकाउंट्स को डिलीट करवा दिया है। कुछ ही दिनों पहले मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया था, क्योंकि उसने प्लेन में बम की झूठी खबर फैलाई थी। हालांकि अब तक आई 100 से ज्यादा धमकियों में सारी बातें अफवाह साबित हुई, लेकिन इन कोरी धमकियों ने तमाम एयरलाइंस कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत जरूर लगा दी है। विमानों को मिलने वाली धमकियों की वजह से अब तक 240 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार धमकी मिलने पर उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा, और एक बार विमान को डायवर्ट करने पर अमूमन 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। विदेशी फ्लाइट के मामले में यह रकम और भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही जिस प्लेन को धमकी मिलती है, उसकी जांच के लिए रनवे पर पूरा तामझाम तैनात करना पड़ता है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस, सभी को बुलाना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है। आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को जो मानसिक कष्ट होता है वो अलग। केंद्र सरकार, डीजीसीए और जांच एजेंसियां लगातार धमकी देने वालों पर नकेल कसने में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार ने तो धमकी देने वाले व्यक्ति के 5 साल तक उड़ने पर बैन लगाने तक का भी ऐलान कर दिया है। उधर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सियासत एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रही है। दिल्ली सरकार ने जहरीली हवा के लिए फिर बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया, तो बीजेपी ने भी पूछ लिया है कि केजरीवाल प्रदूषण के लिए अब पंजाब का नाम क्यों नहीं लेते। दिल्ली में दिन का आगाज आज भी धुंध में लिपटी सुबह के साथ हुआ। धूप निकली तो सीएम आतिशी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट आनंद विहार इलाके में पहुंचे। बस टर्मिनल्स पर प्रदूषण कंट्रोल करने के इंतजाम का जायजा लिया और फिर दिल्ली की जहरीली होती हवा के लिए यूपी की बसों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसें आती हैं। आतिशी पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पराली जलाने वाले पंजाब का नाम क्यों नहीं लेती। जो कुछ अच्छा होता है आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हम कर रहे हैं, जो खराब होता है तो किसी हरियाणा पे डाल देंगे, कभी यूपी पे डाल देंगे, कभी अब पंजाब का नाम नहीं लेते। इस सब के बीच दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार रहा, साथ ही यमुना नदी भी तीसरे दिन लगातार सफेद झाग से पटी नजर आई। पॉल्यूशन की स्थिति को संभालने में आम आदमी पार्टी का ना तो कोई इंटरेस्ट है और ये पूरी तरह विफल है। तो आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये भी है कि अक्टूबर के महीने में ही दिल्ली सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है, तो यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सवाल ये है कि प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला कब तक चलेगा? दिल्ली को साफ हवा पानी की गारंटी कौन देगा? और अब एक जन प्रतिनिधि का आचरण देखिए। मथुरा के बीजेपी विधायक राजेश चौधरी अपनी माताजी से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सोच रहे थे कि समर्थकों की फौज लेकर आईसीयू में चले जाएंगे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से उनको रोक दिया गया तो समर्थकों ने बवाल कर दिया। सीसीटीवी में कैद मारपीट की ये तस्वीरें मथुरा के एक अस्पताल के आईसीयू की है। मारपीट करते दिख रहे ये लोग बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के रिश्तेदार, समर्थक और स्टाफ हैं। अस्पताल के आईसीयू में बीजेपी विधायक की मां का इलाज चल रहा था, उन्हीं से मुलाकात के लिए राजेश चौधरी के समर्थक और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें आईसीयू में जाने से रोका तो विधायक राजेश चौधरी के समर्थक जबरन अंदर घुस गए और वहां तैनात स्टाफ को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। झगड़े की वजह यही थी, आईसीयू में जबरन घुसना चाहते थे। आईसीयू घुसना अलाउ नहीं होता, आईसीयू में एक के साथ एक ही लोग जा सकते हैं और जबरदस्ती आईसीयू में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मथुरा के हाईवे थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना पर डॉक्टरों ने भी नाराजगी जताते हुए बीजेपी विधायक से माफी की मांग की है। सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजेश चौधरी जी आके इस चीज का जो है हम लोगों से मिलें और अपनी इस घटना के लिए अपने को उसके लिए पश्चाताप करें। लेकिन अस्पताल के आईसीयू में अपने समर्थकों और रिश्तेदारों की करतूत पर अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने अस्पताल के स्टाफ पर ही पहले मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। चार दिन पहले आपने हमास के चीफ याहवा सिनवार के खात्मे का एक्सक्लूसिव वीडियो देखा था। अब एक और वीडियो देखिए कि याहवा सिनवार खुद कैसे मौत से डर कर अपने परिवार को लेकर भाग रहा था और इजरायली आर्मी से अपनी जान बचा रहा था। हमास के चीफ याया सिनवार को इजरायल ने ऐसे खत्म किया। ठीक चार दिन बाद इजरायल ने एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें दिख रहा है कि सिनवार कैसे जान बचाता फिर रहा था। इस वीडियो में सिनवार गाजा की एक सुरंग में परिवार के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी साजो सामान से समझ आ रहा है कि वो सुरंग में लंबे वक्त टिकने की तैयारी में था। सिनवार की कभी न दिखाई देने वाली पत्नी समर मोहम्मद अबू जमार भी उसके साथ थी। उसके हाथ में एक स्टाइलिश बैग था। इस फुटेज में सिनवार उसकी पत्नी और बच्चों को पानी, तकिए, गद्दे और एक टीवी सेट अपने साथ सुरंग में ले जाते हुए देखा जा सकता है। इजरायली फौज के मुताबिक वीडियो 6 अक्टूबर 2023 का है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे और कई अगवा किए गए। सिनवार अपना अंजाम जानता था, इसलिए उसने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दिया था। जंग शुरू होने के एक साल 16 दिन बाद 16 अक्टूबर को इजरायल ने सिनवार को ढेर कर दिया। Sinwar has been eliminated, but our mission is not over. We will not rest until we bring all our hostages home. गाजा में इजरायल एक साल से मिसाइलें बरसा रहा है। इस जंग में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिनवार के खात्मे के बाद नेतन्याहू फिर चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक इजरायल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा लेता, हमास पर ये हमले जारी रहेंगे। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार मैदान में हैं और मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस से है। दुनिया के सबसे अमीर हस्तियों में शामिल एलन मस्क इन चुनावों में खुलकर ट्रंप का प्रचार कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया की एक रैली में मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि चुनाव तक वो किसी एक शख्स को हर दिन $1 मिलियन देंगे।
ये रकम उस शख्स को दी जाएगी जो अमेरिका पीएसी पिटीशन यानी अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली उनकी ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत करेगा। $1 मिलियन जीतने वाले विजेताओं का चुनाव रोजाना किया जाएगा। ऐलान के साथ ही मस्क ने $1 मिलियन का पहला चेक भी एक व्यक्ति को सौंप दिया है। पेंसिल्वेनिया में $1 मिलियन का पहला चेक पाने वाले शख्स का नाम जॉन ड्रेहर है। एलन मस्क खुलकर ट्रंप के समर्थन में पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को भी $75 मिलियन यानी करीब 630 करोड़ रुपए का फंड दिया है।